दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दिल्ली एनसीआर और कई राज्यों में एटीएम तोड़कर लूट के अंजाम देने वाले मेवाती गैंग का भंडाफोड़ करके 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान हाफिज, राहिल, इकराम, रोबिन, मुरसलीन के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से 5 देसी कट्टे, 10 जिंदा कारतूस, गैस कटार, स्प्रे पेंट और एक ट्रक भी बरामद किया गया है। आरोपियों ने 6 और 7 अगस्त की रात को कर्नाटक के एक एरिया में एटीएम तोड़ने का प्रयास किया था, जिसमें राहुल नाम का आरोपी स्प्रे पेंट से पहले सीसीटीवी को ढक देता है और उसके बाद बाकी आरोपी गैस कटर की मदद से वारदात को अंजाम देते थे। लेकिन कर्नाटक में एटीएम का सायरन बोल गया, उसके बाद आरोपी वहां से भाग गए। इसके बाद स्पेशल सेल को आरोपियों के तुगलकाबाद आने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद जाल बिछाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पहले से लूट, डकैती, हत्या, एटीएम चोरी जैसे 17 आपराधिक मामलों में शामिल बताए जा रहे। फिलहाल पुलिस ने सभी को रिमांड पर लिया है।